वेलकम टू बंका मसीह यूट्यूब चैनल। बंका के इस यूट्यूब चैनल पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बुनियादी बातें जो स्पिंडल के ड्राइव के बारे में। स्पिंडल के ड्राइव में मशीन टूल्स में बहुत सारे वेरियस मशीन आते हैं और उसमें मेन पार्ट है वो स्पिंडल। और स्पिंडल में उसकी जो ड्राइव है वो दो तरह की आती है, एक ड्राइव जो बेल से चलती है और दूसरी ड्राइव जो स्पिंडल को गियर से चलाती है। दोनों ड्राइव में से आपको कौन सी ड्राइव पसंद करनी चाहिए, चलिए मैं आपको समझाता हूँ बेसिक कुछ बातें स्पिंडल ड्राइव के बारे में। अगर हम स्पिंडल की ड्राइव पसंद करते हैं गियर वाली, तब उस हालत में क्या होता है, गियर जो है वो ऐसे चलता है तो जो गियर की ड्राइव है उसमें स्लिपेज जीरो होता है, स्लिपेज जरा भी नहीं होता है, क्योंकि अगर उसे मोटर चलाती है तो उसे चलना ही है, उसमें स्लिपेज नहीं होता। वहीं बेल्ट वाली ड्राइव में उस जगह क्या होता है कि बेल्ट है वो एक चीज को दूसरी से ऐसे खींच रहा है तो वो स्लिपेज आती है उसमें। जब आप हेवी कट लेते हैं या कोई, तब उसमें स्लिपेज आना वाजिब है। और जो स्लिपेज है वो एक तरह का फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन के लिए आप इलेक्ट्रिक का पैसा पे करते हैं। जो गियर से मशीन काटती है उसमें आप पैसा पे करते हैं, जहां लोड कट पे जाता है तो मेटल काटने का पैसा आप पे करते, जबकि वहां बेल ड्राइव में बेवजह आप फ्रिक्शन के लिए इलेक्ट्रिक बिल पे करते हैं। तो ये एक वजह है कि ऑल गियर अच्छा ड्राइव है, स्पिंडल के लिए गियर ड्राइव जो है वो हमें पसंद करना चाहिए। दूसरी वजह, कोई भी गियर वाली ड्राइव है वो पुल्ली की जगह पे कम जगह रोकती है। आजकल स्पेस बहुत महंगा होता जाता है और कुछ सिटी में तो स्पेस का जगह पैसा बहुत बढ़ गया है, हमें यह भी देखना है कि वो हमारा स्पेस से ऊपर है। तो जो आप गियर वाली मशीन लेते हैं वो एक छोटा गियर बॉक्स में आ जाता है, जिसकी वजह से उसका जगह वो जगह कम रोकती है। तीसरी बात, इसमें स्लिपेज नहीं है, इस वजह से स्पिंडल पूरा टॉर्क देता है। समझो आपने 10 हॉर्स पावर की वहां पे मोटर लगाई हुई है तो पूरा 10 हॉर्स पावर का टॉर्क स्पिंडल पे जाता है मेटल काटने के लिए, जबकि वहां स्लिपेज आ जाने की वजह से आपका पूरा टॉर्क ड्राइव नहीं होता मेटल काटने के लिए, बीच में फ्रिक्शन के लिए वो टॉर्क यूज हो जाता है। और एक बात है कि आप मैन पावर के लिए भी पैसा देते हैं। मैन पावर आप देखिए पिछले 10-15 सालों में कितना खर्चीला हो, कितना उसका प्राइस बढ़ रहा है। अब आपका मैन पावर अगर आप 8 घंटे के लिए लेते हैं आज के लिए, लेकिन आप मशीन तो 10-15 साल के लिए, तो 10-15 साल के लिए मशीन ले रहे हैं तो 15 साल के लिए मैन पावर का कॉस्ट तो बढ़ेगा। अगर आप बड़ी चिप निकालेंगे, आप ज्यादा प्रोडक्शन निकालेंगे, जगह भी कम रोके, ऐसी मशीन जब परचेज करते हैं तो वो एक ऐसा आपका डिसीजन है जो अगले 10-15 सालों तक आपका यूनिट को बेनिफिट्स देगा। तो एक ही ऑपरेटर वही जगह पे उतना ही पावर में जब आपको डबल प्रोडक्शन दे सकता है, ज्यादा चिप्स निकाल सकता है, तो हम वो मशीन क्यों परचेज ना करें। यह था मेरा आज का वीडियो, इसका विषय है कौन सी ड्राइव पसंद करें। मैं आपको सुझाव देता हूं कि लेथ मशीन और ड्रिल मशीन में आप जब तक हो सके गियर वाली स्पिंडल ही पसंद करें।
दूसरा, आप लेथ मशीन इन चाइना, लेथ मशीन इन फ्रांस, लेथ मशीन इन जर्मनी, ऐसा कोई भी कंट्री में आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको जो ड्राइव मिलेगी वो ज्यादातर ऑल गियर ही मिलेगी। लेथ मशीन इन चाइना मैंने जब सर्च किया तो मुझे एक भी बेल्ट वाली लेथ नहीं मिली। उसका मतलब यह है कि ये ट्रेंड जा रहा है। आज के दिनों में हम क्यों परचेज करें ऐसी मशीन? अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको कुछ फायदा है या ये वीडियो आपका नॉलेज बढ़ा रहा है, उस हालत में आप हमें जरूर सपोर्ट करें। लाइक का बटन दबाएं, नीचे बना हुआ लाइक का बटन दबा के आप हमें जरूर सपोर्ट करें। थैंक यू।